हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। करीब हम लोग इस वीडियो में 42 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सो गाइस, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट को। तो कैल्शियम ऑक्सलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एशिया के प्रथम नोबल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। एशिया के प्रथम नोबल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। तो शुक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पांचवा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, ओणम कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम जो है ये केरल में माना जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अजंता एलोरा की गुफाएं ये कहां पर हैं। सो गाइस, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। तो औरंगाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सातवां क्वेश्चन है गाइस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है गाइस। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552। तो 552 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेपाल अगला क्वेश्चन है गाइस कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो चुका है। नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पंचायती राज किसका भाग है, ये क्वेश्चन गाइस पूछा गया। तो पंचायती राज जो है ये नीति निर्देशक तत्व का भाग। तो नीति निर्देशक तत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये 100 होगा, 200 नहीं होगा। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है गाइस ये दूरी का मात्रक है। दूरी का आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भिन्न कौन सा, ये क्वेश्चन ने पूछा गया है। पनीर, मक्खन, दही, तेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका तेल। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पनीर, मक्खन और दही ये दूध से होते हैं, लेकिन ऑयल जो है आपका ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल भिन्न है। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था। म्यांमार ये आपका सार्क का सदस्य है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन था कि काजीरंगा पार्क ये कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा पार्क जो है गाइस ये असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का असम आंसर करेक्ट हो जाता। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस। तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया था। सो गाइस, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। BOLD परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो बोल्ट परियोजना जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाता। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सो गाइस, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। COVID-19 की वैक्सीन किस देश को फ्री दी गई है। सो गाइस, COVID-19 की वैक्सीन जो है भूटान देश को फ्री दी गई है। तो भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बसंत विशु कब से आरंभ होता है। तो बसंत विशु जो है आपका ऋतु होगा 21 मार्च से आरंभ होता है। थोड़ा सा टाइप करने में हो गया है। खेतड़ी किसके उत्पादन से संबंधित है। तो खेतड़ी जो है या तांबे के उत्पादन से संबंधित है। तो तांबा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोष घटा दे तब उसकी साख पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोष घटा देता है तो उसकी जो साख है ये बढ़ जाती है। तो साख बढ़ेगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 24वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, ठोस चालक में धारा भाग होता है। तो ठोस चालक में धारा भाग होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाता।
चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? सो गाइस चरक संहिता जो है पुस्तक चिकित्सक से संबंधित है, तो चिकित्सक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन जो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जान लीजिए, संतरा में जो होता है आपका विटामिन सी, भरपूर पोषक तत्व होता है, लेकिन इसके ज़्यादा सेवन से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में ग्लाइकोमिक इंडेक्स के लोड को बढ़ा देता है, जो कि आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो प्रभ द्वारा चिन्हित करा जाता है, लंबाई की एक मापन इकाई ये लगभग 95 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बैंक दर से क्या अभिप्राय? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग विस्तार पूर्वक। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्राय ऐसी बड़ी रकम की जरूरत होती है जिनकी मियाद एक दिन से ज्यादा नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक, भारत में रिजर्व बैंक से रात भर के लिए ओवरनाइट कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हीं जो ब्याज देना पड़ता है उसी को रिपो दर कहते हैं। रिपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और इसलिए बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। रिपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। साफ है कि बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गैस एक जो क्वेश्चन आपका आया था अल्पसंख्यक से रिलेटेड, कि अल्पसंख्यक के अधिकार का अनुच्छेद इसके बारे में पूछा गया था। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा लिपि या संस्कृति हो उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। उस देश का प्रस्ताव किसने दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस देश का प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा की सूची समवर्ती सूची, हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग डोपिंग में पकड़े जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो गैस लक्षद्वीप की भाषा है मलायम, तो मलायम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो नेपाल से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोस्टा रिका या कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद सन 1941 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी और विश्व के उन बहुत कम देशों में से एक हो गया जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से है? तो लाइट हाउस परियोजना जो है झारखंड राज्य से है, तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हिमालय नदी से संबंधित नदियां पूछा गया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये आपके ऑप्शन में था, ठीक है। शिवाजी के समकालीन कौन थे? ये क्वेश्चन गाइस पूछा गया था। शिवाजी के समकालीन इनमें से शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। इसके ऑप्शन थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा रणजीत सिंह और शिवाजी। खेतड़ी किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये तो हो चुका है आपका, ये तांबे से संबंधित है, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार है उसे कैसी व्यवस्था कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सूर्य का नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का नजदीक ग्रह है बुध, तो बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।